हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे एगलेस डोनट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 5 बड़े चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, 2 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, 1/2 कप दूध लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने गुनगुना दूध लिया है। अभी मैं दूध में सबसे पहले चीनी मिलाऊंगी। चीनी को थोड़ा घोल लूंगी मैं दूध में। वैसे मैंने पाउडर चीनी ली है तो ये जल्दी से घुल जाएगी। यहाँ पर मैंने ईस्ट मिला दिया है, ईस्ट को भी मैं थोड़ा घोल दूंगी। मिला दिया है मैंने दूध में ईस्ट को। अभी मैं इसको ढककर 15 मिनट के लिए इसको राइज होने के लिए छोड़ दूंगी। ईस्ट हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अभी मैं इसमें मैदा मिला दूंगी। मिल्क पाउडर मिला दिया है मैंने। मैंने अभी 1 कप और 1/2 कप मैदा मिलाई थी, अभी मैं 1/2 कप मैदा और मिलाऊंगी। अभी मैं इसको अच्छे से गूंथ लूंगी आटे को। आटे को हमें बहुत ही सॉफ्ट और स्टार्ची बनाना है, इससे हमारे डोनट्स बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। अभी मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच बटर ऐड कर दिया है और मैं इसको भी अच्छे से मिला दूंगी। अभी मैं आटे को कवर करके 1 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख दूंगी। मैं इसको ओवन में रख रही हूँ, आप कहीं पे भी गर्म जगह पर रख दीजिए 1 घंटे के लिए। आटा हमारा फूलकर 1 घंटे बाद दुगना हो चुका है। इसमें मैंने मैदा डस्ट कर लिया है। अभी मैंने आटे को जो एयर बबल्स थे वो मैंने इकट्ठा कर लिया है। आटे को निकाल दिए थे एयर बबल्स और मैंने आटे को इकट्ठा कर लिया है। अभी मैं इसको 20 मिनट के लिए और नीट करूंगी, मसलूंगी मैं आटे को। मैंने थोड़ा सा सरफेस पर भी मैदा छिड़क लिया है। अभी मैं यहाँ पर अपने आटे को निकाल लूंगी और इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के इसको एकदम चिकना आटा मसल लूंगी 20 मिनट तक। देखिए आपको इस तरह से मसलना है, इस तरह से आप इसको मसल लीजिए आटे को। मैंने 20 मिनट तक मसला है आटे को। अभी मैंने इसको 4 पीस में डिवाइड कर लिया है। मैं अभी इसकी एक बोल बना लूंगी। अभी मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको बेलूंगी। हमें इसको बहुत मोटा भी नहीं बेलना है, हमें ना इसको बहुत पतला बेलना है, हमें इसको 1/2 इंच तक ना है बस। तो मैं इसको लंबा बेल लूंगी। देखिए मैंने इसको बेल लिया है। अभी मैं एक गिलास से इसको डोनट के शेप में काट लूंगी। अगर आपके पास डोनट कटर है तो आप उससे काट सकते हैं। मैं इसको ग्लास से काट रही हूँ। मैंने बीच में भी इसको एक छोटे से ढक्कन से काट लिया है। मैंने इसको डोनट का शेप दे दिया है। अभी मैं डोनट को 15 मिनट एक प्लेट पर 15 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी ताकि ये फिर से थोड़ा सा फूल जाए। डोनट हमारे फूल चुके हैं, अब हम इनको तलेंगे।
यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है। यहाँ पर मैंने मीडियम आंच पर कढ़ाई को रखा था, इसमें मैंने तेल को गरम कर लिया है। अभी मैंने डोनट डाल दिए हैं, मैं इनको गोल्डन ब्राउन होने तक तल लूँगी अच्छे से। अगर आप इनको तेज आंच पर तलेंगे तो आपके डोनट अंदर से ऊपर से तो पक जाएंगे बट अंदर से तो कच्चे रहेंगे, इसलिए आपको इसको मीडियम फ्लेम पर ही तलना है। मैं बकाया के डोनट भी ऐसे ही तल लूँगी। देखिए हमारे डोनट बनकर तैयार हैं, अभी मैं इनको डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ली है वाइट चॉकलेट, आधा कप मैंने वाइट चॉकलेट ली है। थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने आधा कप चॉकलेट ली है। यहाँ पर मैंने थोड़े से स्प्रिंकल्स लिए हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी शुगर ली है पिसी हुई। अभी मैं यहाँ पर चॉकलेट को माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है मैंने, इसमें थोड़ा सा मिल्क मिला लिया है, इसको मैं थोड़ा सा मिल्क मिलाकर पतला कर लूँगी। चॉकलेट हमारी तैयार है, अभी मैं इसी पे कर वाइट चॉकलेट को भी माइक्रोवेव में कर लूँगी, जब तक मैंने यहाँ पर एक डोनट को शुगर में लपेट कर रख दिया है। इसी प्रकार मैंने एक और डोनट को शुगर में लपेट लिया है। आपके अनुसार ही आप डोनट को डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने एक डोनट को वाइट चॉकलेट में डिप कर दिया है, इस पर मैं थोड़े से स्प्रिंकल्स डालूंगी। यहाँ पर मैंने दूसरे डोनट को चॉकलेट में डिप कर लिया है, इस पर मैं थोड़े से कटे हुए बादाम डालूंगी। डोनट तो दोस्तों सबको बहुत पसंद होते हैं, बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद आते हैं डोनट। मैंने एक और डोनट को चॉकलेट में डिप कर लिया है। इसी प्रकार मैं अपने सारे डोनट्स को चॉकलेट में डिप करके डेकोरेट करूंगी। आप आपके अनुसार डोनट को डेकोरेट कर सकते हैं। व्हाइट चॉकलेट से चॉकलेट वाले डोनट को डेकोरेट कर दिया है। मैंने डोनट बनकर तैयार हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।